हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। आपका झाड़ू पोछा देने का झंझट ही ख़त्म हो जाना है। देखिए दोस्तों, जिसके भी कमर दर्द रहती है, बैठ के झाड़ू नहीं दे पाते और वो चाहते हैं पैसे भी खर्च ना हो, तो उसके लिए हमें अपना जो कपड़े वाला पोछा आता है उसको गीला कर लेना है और अपने वाइपर की सहायता से इस तरह इसको डालना है। और वाइपर की सहायता से आप पोछा लगा सकते हो खड़े खड़े बिल्कुल आसानी से। ना ही आपके अब कमर दर्द होगी, ना ही बैठने की झंझट होगी। देखिए दोस्तों, बड़ी आसानी से हम अपने फर्श पर, बेड के नीचे, कहीं भी कोनों में, सब जगह इसकी सहायता से पोछा लगा सकते हैं और ना ही हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ हमें 10 मिनट 20 मिनट लगते हैं पोछा लगाने में, वहाँ मिनटों में काम हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जब भी हम आटा एक्स्ट्रा लगा लेते हैं या हम एक साथ रोटी नहीं बनाते, जैसे कोई स्कूल से आया है, ऑफिस से आया, उसी टाइम हमें खाना बनाना है और मॉर्निंग टाइम में हमने आटा लगा लिया, यदि आटा एक्स्ट्रा बच जाता है तो फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन वो फ्रिज में बिल्कुल टाइट और कालापन आ जाता है। लेकिन अब से बाद आपका आटा बिल्कुल काला नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जो भी आप घर में गाय का, भैंस का जो भी घी यूज लेते हो, उसमें हथेलियों पे आपको थोड़ा सा ले लेना है और हाथों पे अच्छे से रफ करना है, पूरा फैला लेना है। इसके बाद आटे को हाथों में ले करके अच्छे से लगा लेना है। कहने का मीन्स, जिस तरह आप आटे पर लोई बनाते हो, उस तरह गोल गोल हथौली पर करना है और घी को आटों पर अच्छे से लगा लेना है, जिससे फ्रिज में रखने से पहले आटा नहीं है तो पपड़ी जमेगी नहीं, काला आएगा, कालापन आएगा और ये लंबे टाइम तक के लिए सुरक्षित तो हो जाएगा। आप अब इसे 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, कितने घंटे के लिए भी फ्रिज में रख सकते हो। इससे आपका आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश आटा बना रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जब भी हम सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो हम बहुत सी सावधानियाँ बरतते ही हैं, लेकिन आज हम प्याज के लिए आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं। जब भी आप प्याज खरीदने जाएं, आप हमेशा एक तो पुराने प्याज ही खरीदना, जो नए प्याज होते हैं उनमें जल्दी से सड़न वाले बन जाते हैं, ख़राब होने की दिक्कतें आती है। और ये आपको यदि प्याज लेने में दिक्कत आती है, तो आप सबसे पहले जिसके जो जड़ वाला हिस्सा होता है, पूंछ वाला हिस्सा होता है, दोनों साइड में हल्का हल्का प्रेस करके देखिए, जिससे आपको यदि प्रेस हो जाता है दोनों साइड से, तो समझ लेना आपका प्याज जल्दी ख़राब हो जाएगा, नहीं तो महीने भर तक चलने वाला प्याज होता है यदि आप वो प्रेस करने पर, दबाव देने पर अंदर प्रेस नहीं होता। तो इस तरह हम अपने प्याज की पहचान कर सकेंगे। और प्याज हमेशा पन्नी से बाहर निकाल कर ही रखें। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, हमारे छोटे छोटे इस तरह की जो ट्यूब होती है, कोई किस मतलब किसी भी मूव होती है, हाथ पैर में किसी चोट आ गई तो उसकी दवा होती है, या कोई भी आपके इस तरह के छोटे छोटे से सामानों को सेट करने के लिए आप या तो डब्बे खरीदोगे या कोई अलमीरा, लेकिन हम बोतल का रीयूज लेकर ही इन सब को आसानी से एक अच्छे से व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं। देखिए, कोई भी बोतल लीजिए बड़ी छोटी साइज़ की और उसे अच्छे से काट लीजिए, उसके बाद आपकी इस तरह बोतल के अंदर रखते जाओगे। जब भी आवश्यकता होगी, आप आसानी से बोतल का ढक्कन खोल करके इसे निकाल पाओगे। देखिए दोस्तों, जैसे हमारी चारों इसमें ये ट्यूब अच्छे से सेट हो गई है और जब भी हम ढक्कन खोलेंगे, हम आसानी से निकाल पाएंगे आवश्यकता अनुसार, ना ही बच्चे छेड़ेंगे, ना इधर उधर भागेंगे, हमें ढूंढनी पड़े, सामान में बिखर जाए तो एक साथ एक जगह व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी। ऐसी टिप्स यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फॉलो कीजिए, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान बन जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें सपोर्ट मिले, हमारा मनोबल बढ़े। दोस्तों, हमें छोटी छोटी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी होती है,
जिससे आपको भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना सकते हो और हमें भी हमारे चैनल को सपोर्ट करने में आप हेल्प कर सकते हो। टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अच्छी लगे तो। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, चाय तो हर घर में बनती है लेकिन चाय पत्ती का यूज़ कोई नहीं करता है। जैसे ये बची हुई चाय पत्ती का यूज़ हम पेड़ पौधों की जड़ों में डालकर कर सकते हैं। इससे पेड़ पौधों को अच्छी ग्रोथ मिलेगी, उनको खाद के रूप में काम करेगा। इससे आप बेकार में बेस्ट रूप में ना फेंके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे दोस्तों।